हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रॉफिट गुरु चैनल में एक बार नए मार्केट अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ मार्केट के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आज हमारा मार्केट काफ़ी वोलेटाइल देखने को मिला। पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर ऊपर देखने को मिला। ठीक है, तो ये जो मार्केट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है, ये इतना वोलेटाइल क्यों देखने को मिल रहा है, ऐसे क्या क्या रीज़न हमें सामने आते देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, और मार्केट के लिए, ठीक है, कल का डेट या 29 तारीख का या 30 तारीख का, ये तीनों डेट जो है दोस्तों वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं ये हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पहले मार्केट का मोमेंटम देखिए। मार्केट का प्रीवियस क्लोज था 17,016.30, ओपन होता है 110.90, हाई लगाता है 176.45 और लो लगाता है 942.35 के आसपास। काफ़ी वोलेटाइल मूवमेंट देखने को मिला मार्केट में, और मार्केट में एक रेंज जो थी दोस्तों 17,000 तक की, वो तो अभी दोस्तों क्या हो गई है, ब्रेक हो चुकी है। तो अब मार्केट कहाँ पर जाएगा, और नीचे आएगा या और ऊपर आएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। ठीक है, तो मार्केट से रिलेटेड जैसा भी अपडेट आता है हम डेफिनेटली प्रोवाइड तो करते हैं आप लोगों को। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मार्केट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबसे पहले उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं investing.com की साइट के ऊपर मैं लाया हूँ, और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, GDP, ठीक है, जो कि देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। लास्ट GDP का डाटा कब आया था दोस्तों, 25 अगस्त 2022 को, ठीक है, यह हमें देखने को मिला था। और क्या रहा था दोस्तों फोरकास्ट, -0.8%, और आया कितना था दोस्तों, -0.6%, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा देखने को मिला था, इसके कारण मार्केट में तेज़ी भी आई थी। और अब आने जा रहा है दोस्तों सितंबर मंथ का, अगस्त मंथ का आया था, अब सितंबर मंथ का आने जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कब आएगा, 29 तारीख को। क्या है फोरकास्ट दोस्तों, फोरकास्ट है 0.6% माइनस, मतलब इतना ही आना चाहिए, ठीक है। इससे नीचे आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर इससे ऊपर आ जाता है तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए फोरकास्ट है 0.5%, तो ये 0.9% माइनस में आया, बिल्कुल भी अच्छा नहीं, ठीक है। उसके साथ ही देखिए Q2 में कितना अच्छा था, यहाँ पर मतलब तेज़ी आया था, ये Q2 में भी यहाँ पर तेज़ी आया था, ये वाली जो सॉरी ये इसमें तेज़ी आया था, इसमें गिरावट था, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और ये वाले Q2 में भी अगर अच्छा तेज़ी आ जाता है तो दोस्तों 3 महीने में से 2 बार अच्छी तेज़ी, ठीक है, 3 महीने में से 2 बार अच्छी तेज़ी, मतलब दोस्तों मार्केट के लिए ये बहुत बड़ा अच्छा बोल सकते हैं न्यूज़ या अपडेट रहेगा, ठीक है, जिससे US मार्केट भी काफ़ी मजबूत होंगे, ठीक है, और इसी के कारण पूरे ग्लोबली मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगे। तो ये अपडेट दोस्तों 29 तारीख को आने वाला है, जैसे ही आएगा वो तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आप लोगों को भी दोस्तों चेक करते रहना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट अपडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे हम MPC की मीटिंग बोलते हैं, वो कब चालू होने जा रही है, कल से, ठीक है, कल होगी, 29 को होगी, और 30 तारीख को 10 बजे शक्तिकांता दास जी लाइव आ जाएंगे, ठीक है। रेट हाइक किस प्रकार से हो रहे हैं, जो अनुमान है, ठीक है, 25 बेसिस पॉइंट से लेकर 30 बेसिस पॉइंट तक, अगर इतना रेट हाइक होता है, ठीक है, तो बहुत अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि हमें इन्फ्लेक्शन से फिर डर नहीं है, ठीक है, हमें इन्फ्लेक्शन से डर नहीं है। अगर 50 बेसिस पॉइंट जो लास्ट टाइम हुआ था, अगर वैसे ही होता है, ठीक है, तो मार्केट में और प्रेशर आ सकता है। क्यों, क्योंकि इस बेसिस पॉइंट से ये दिखेगा कि हाँ बाजार को अभी भी इन्फ्लेक्शन से डर लग रहा है, इंडिया को इन्फ्लेक्शन से अभी भी डर लग रहा है कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेट हाइक काफ़ी बड़ा मैटर करने वाला है, ठीक है, और शक्तिकांता दास जी की जो आने वाली GDP इकोनॉमी की क्या कॉमेंट्री रहने वाली है, इन्फ्लेक्शन की क्या रहने वाली, क्रूड ऑयल की क्या रहने वाली है, ये बहुत बड़ी अपडेट रहेगी। मतलब देखा जाना तो ये महीने का आखिरी दोस्तों हफ्ता है, और इसमें सब चीज़ हमें देखने को मिलेगी। अभी एक्सपायरी भी आ रही है, तो एक्सपायरी के दिन दोस्तों मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहेगा, ठीक है, ये हमें देखने को मिलेगा। सेटलमेंट होगा क्योंकि महीने की एक्सपायरी है, तो सेटलमेंट होगा, और आप बोल सकते हैं कि अगले महीने भी कैरी फॉरवर्ड होंगे कुछ पोजीशन, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल रहने वाला है। तो ये 2 पॉइंट तो मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इनसे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट है,
अब देखिए, ये इनको तो पहचानते होंगे पुतिन साहब को, ठीक है। अभी कहाँ पर लगे, युद्ध करने में लगे हुए हैं। काफ़ी दिन हो चुके हैं, लगभग 9-10 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को, अभी कोई रिजल्ट नहीं निकल के आया। सभी जन सोच रहे थे कि पुतिन साहब यूक्रेन के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कब्जा कर लेंगे और बहुत जल्दी। लेकिन दोस्तों, यूक्रेन भी पीछे नहीं हटा, ठीक है। रसिया के बहुत बड़े बड़े आदमी, उनको उसने टपकाया। यूक्रेन जो है, ठीक है, वो अभी भी आप देख सकते हैं युद्ध को कहाँ लेके पहुँच गया। 4 घंटे पहले एक अपडेट आया, यूक्रेन जो रशिया का युद्ध है वो सबसे खतरनाक दौर में पहुँचा। अंजाम मतलब जो है दोस्तों, क्या हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। जो न्यूक्लियर हमला है दोस्तों, वो भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये परमाणु बम वाला हमला होता है तो दुनिया का क्या होगा, ये देखने वाली बात रहेगी, ठीक है। अगर ये बम अटैक होता है तो मार्केट जो है हमारा, वो और नीचे हमें जाते देखने को मिलेगा। अभी मार्केट में कुछ पॉजिटिव जो सेंटीमेंट है वो ऊपर धीरे धीरे आने लगे हैं आज कल में, और ये अगर कुछ अलग रुख अपना लेते हैं तो वो पूरे जो पॉजिटिव सेंटीमेंट ऊपर आ रहे हैं वो पूरी तरीके से नीचे घुस जाएंगे। तो ये तीसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है, ठीक है, वो काफ़ी ख़तरनाक देखने को मिल रहा है पूरे ग्लोबली मार्केट के लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो इन महाशय की अगर बात करें, इनका नाम है डॉलर, ठीक है। ये काफ़ी ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। अब ये इतनी ऊपर जा रहे हैं दोस्तों, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, हमारी करेंसी को कमज़ोर कर रहे हैं। अब ये कब डबल से नीचे आएंगे, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो इसके ऊपर भी कुछ ना कुछ कॉमेंट्री आएगी। आरबीआई के पास दोस्तों कुछ डॉलर रखे रहते हैं, कुछ नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा रखे रहते हैं, तो उनको बेच के दोस्तों आरबीआई क्या करेगी, हम अपने करेंसी को थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहेगी, जो कि लास्ट टाइम किया था। अब देखते हैं वो आरबीआई क्या फैसला लेती है, क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से, आरबीआई की तरफ से डॉलर के ऊपर या इंडियन करेंसी के ऊपर कुछ भी अपडेट नहीं आया, जो मार्केट को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। एक बार बीच में आकर उनको कुछ अपडेट देना था, जिसके कारण जो हमारा इंडियन करेंसी है वो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे होता, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी अपडेट नहीं आया, तो ये भी काफ़ी बड़ा सिरदर्द अभी बना हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डाउ जोन, जो कि काफ़ी बड़ा पॉजिटिव अभी सिग्नल दे रहा है। देखिए, 1.25% की तेज़ी के साथ अभी ट्रेडिंग करने लगा है, नहीं तो हमारा मार्केट था जब कैसे ट्रेडिंग कर रहा था देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, हमारा मार्केट था ना जब स्टॉक मतलब डाउ जोन यहाँ पर नीचे आया, फिर हमारे मार्केट में भी तेज़ी आई, हमारा मार्केट क्लोज होने टाइम नीचे आ गया, ठीक है। अब फिर से वो ऊपर जाने लगा है, तो फिर से एक रिजेक्शन पॉइंट पर आके खड़ा हो गया है। यहाँ से फिर से गिरावट नहीं आना चाहिए, नहीं तो दोस्तों यूएस मार्केट में नाइट में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। यह अभी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ ट्रेड कर रहा ना, यह बहुत बड़ा मोमेंट हमें मार्केट के लिए देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा मार्केट भी कल एक पॉजिटिव वे में ओपन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों डाउ जोन फ्यूचर जो कि हमारे मार्केट के समय भी ओपन रहता है, यूएस मार्केट के समय भी ओपन रहता है, जो कि दोस्तों पूरे दिन भर का हालचाल लेते रहता है, इसमें क्या सिग्नल है वो हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट डे हमारा मार्केट या यूएस का मार्केट कैसा ट्रेडिंग करेगा। अब ये इतना पॉजिटिव है ना, ऐसा लग रहा है यूएस मार्केट एक अच्छी तरीके से ट्रेडिंग करेगा आज की डेट में, ठीक है। खैर, वो तो देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों, जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर है वो एक बार दोस्तों फिर से क्या करने लगे हैं दोस्तों, सेलिंग करने लगे हैं। 5100 करोड़ की, 5100 करोड़ की कल की डेट में इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की थी। DII साहब ने बाइंग की थी लेकिन कम की थी, ठीक है। 3500 करोड़ की थी लेकिन कम की थी। अब ये दोस्तों एक बार फिर से मार्केट को खोखला करने लगे, और ये पैसा निकाल के कहाँ जा रहे हैं, ये US डॉलर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या US डॉलर फ्यूचर जो है इंडेक्स फ्यूचर उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जो छोटी चीज़ है ना, वहाँ पर ज़्यादा ये पैसा डालते हैं, क्योंकि पैसा काफ़ी भारी मात्रा में डालते हैं, ठीक है, और रिटर्न भी भारी मात्रा में लेते हैं, क्योंकि अभी रेट हाइक हो रहे हैं सभी जगह, तो दोस्तों इनको काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाने का मौका मिल रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण दोस्तों ये सब चीज़ें अभी वोलेटाइल मोमेंट में देखने को मिल रही है। और आज सबसे ज़्यादा कौन सा इंडेक्स ऊपर नीचे हुआ वो देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो बैंकिंग सेक्टर में आज भी गिरावट, ऑटो में आज भी गिरावट, फाइनेंस में भी आज गिरावट, बढ़िया FMCG अच्छा रहा, IT में आज मजबूती देखने को मिली तो मार्केट कम गिरा। अगर IT में भी आज गिरावट रहती तो मार्केट ज़्यादा गिरता। मीडिया में भी आज तेज़ी देखने को मिली, अच्छी बात है। मेटल में भी गिरावट और फार्मा में भी तेज़ी, अच्छी बात है। PSU और प्राइवेट दोनों में दोस्तों गिरावट, और रियल एस्टेट में भी गिरावट, मतलब फाइनेंस सेक्टर दोस्तों अभी मार्केट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है। देखते हैं दोस्तों फाइनेंस सेक्टर अभी कब तक प्रेशर डालता है, क्योंकि RBI ने दोस्तों अभी काफ़ी बड़ा एक्शन लिया है,
थर्ड पार्टी लोन रिकवरी से रिलेटेड, तो सभी फाइनेंस इंडस्ट्री के जितने भी बैंक नॉन NBFC सब अभी डर गए हैं, ठीक है। तो उसके कारण दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो इतने सारे पॉइंट्स दोस्तों हमें देखने को मिले आने वाले 2 से 3 दिन के लिए। अब 2 से 3 दिन में क्या बड़ा अपडेट आता है दोस्तों, वो हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए एक धमाकेदार अपडेट, एक धमाकेदार नॉलेजेबल वाला वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि डेली बेसिस पे ऐसे बेहतरीन अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।